माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के क्रम में जेलों में ओवरक्राउडिंग की को कम करने के लिए एक व्यवस्था दी गई है। उसी व्यवस्था के तहत हाई पावर कमेटी का गठन प्रत्येक राज्य में हुआ है और उत्तर प्रदेश में भी हुआ है। हाई पावर कमेटी को यह दायित्व दिया गया है कि बंदियों को इंटरिम पैरोल पर या कोरोना कोविड-19 के संक्रमण के दृष्टिगत उनको भेजा जाए। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश में 2152 बंदियों को हम लोगों ने हाई पावर्ड कमेटी के निर्देशानुसार इंटरिम पैरोल पर छोड़ा है और ये कवायद लगातार हो रही है। लेकिन इसमें एक आश्चर्यचकित करने वाला एक तथ्य सामने आया है कि जिसमें हमारे 9 जेलों में करीब 21 बंदी ऐसे हैं जो विभिन्न जनपदों में हैं जिन्होंने इंटरिम पैरोल लेने से मना कर दिया है। जब इसमें जानकारी की गई तो यह पाया गया कि दो इसके मुख्य कारण है। पहला कारण यह है कि कुछ बंदियों ने की सजा अगले 2 से 4 या 5 महीने में समाप्त हो रही है तो पैरोल चूंकि सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस है तो वो उनकी सजा में जुड़ जाएगा। जितनी अवधि वो पैरोल पे रहते हैं तो वो नहीं चाहते हैं कि उनकी सजा में और बढ़ोतरी हो, इसलिए वो पैरोल से इनकार कर रहे हैं। और दूसरा एक और कारण भी जो सामने आया है वो यह है कि उनको ये लगता है कि जेल में ज्यादा वो महफूज है, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा रहा है और उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखा जा रहा है और समय समय पर उनके स्वास्थ्य के दृष्टिगत उनको आइवरमेक्टिन काढ़ा आदि जो भी इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड्स है उसका सेवन भी कराया जा रहा है। और बाहर उनका ये मानना है कि बाहर पिछले साल भी जब वो लोग पैरोल पे गए थे तो बाहर लॉकडाउन की वजह से उनको बहुत कष्टों का सामना करना पड़ा था क्योंकि रोजगार आदि की भी समस्या हुई थी और इसलिए वो जेलों में अपने आप को ज्यादा स्वस्थ और सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, लिहाजा उन्होंने पैरोल लेने से मना।